हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो मूसा को जो मैंने सुबह से उठाया हुआ है पढ़ाने के लिए, पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। अपने दिन का आगाज सदके से करें। सुबह हो गई है तो मैंने ये नेक काम मूसा से करवाया है, और उठते ही सबसे पहले मैंने सदका बॉक्स रखा हुआ, उसमें सदका डालती हूँ। जितनी भी तौफीक हो, आप भी आदत बना लें, अपने बच्चों को भी ट्रेंड करें कि हर दिन का सदका दें, तो सदका परेशानियां मुश्किलात दूर फरमाता है। तो इसीलिए सबसे पहले उठते ही हमने सदका दिया है, और उसके बाद अपने दिन का आगाज करते हैं। मूसा ज़ैनब स्कूल जा चुके हैं, और जो है अभी हम लोग जो है नाश्ता करेंगे, और उसके बाद जो अपनी रूटीन का आगाज करेंगे। नाश्ते में क्या बनाऊंगा ये पता ही नहीं है आपको। आप कमेंट में जरूर बताइए, कढ़ाई, चने पराठे या फिर पराठा चाय। और गाइस आज मेरा सामान सुबह हमने उठा दिया, ना मैंने मुंह धोया ना कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई पे लगा हूँ। मम्मा और मम्मा ने मुझे उठाया कम से कम 9 बजे उठाया था मुझे। मम्मा भाई है, फिर 1 घंटा सुकून मिला मुझे। फिर मम्मा ने मुझे उठाया, फिर पढ़ाई करवा दी। मम्मा पढ़ाई करवा दी, जब तक आप लाइक करें हम लोग काम करते रहे, प्लीज आप लाइक करें। मम्मा कह रहे अगर फुल लाइक कहा कर तो मैं आपको छोड़ दूंगी होमवर्क पे। गाइस क्लियर कर दो यार कमेंट में, कमेंट में जरूर बताइए पढ़ाई जरूरी है या खेलना जरूरी है, गिल्ली से कमेंट में बताए। जोहर की नमाज पढ़ के खाना खा लिया था, अभी जो है हम ऊपर आए हैं। वेदर जो है देखिए, यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी का वेदर बहुत ही खूबसूरत है। काले बादल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बारिश भी हल्की स्टार्ट हो गई है। और यहाँ मूसा और तैना भी ऊपर आ गए, वैसे यूजुअली ऊपर आते नहीं हैं, लेकिन जो है अभी ये लोग बहुत ज़्यादा ऊपर आके मज़ा करें क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। आपने डक्स को खाना दिया, उसकी प्लेट तो उल्टी कर दी सारी आप लोगों ने। यहाँ पे मिर्चों का पौधा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, टमाटर के सीड्स डाले हुए हैं और डिफरेंट वेजिटेबल्स के सीड डाले हुए, वो अभी तक जो है वो अभी जो है बीज सही से इसके जर्मिनेट नहीं हुए, अभी पौधे नहीं हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मौसम हो रहा है। सुभान अल्लाह वेदर यहाँ चेंज हो गया काफ़ी, एकदम कभी धूप होती है। पर इसको भगाना नहीं है, नहीं तो नीचे गिर जाएगी। मूसा नो गाइस, तो हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ना मूसा जो है क्रिकेट खेल रहे हैं ऊपर, ज़ैनब ने बॉल करवाई और बॉल बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी बॉल है, और मूसा जो है ना वो यूं ही करता है, ज़ैनब सिर्फ सिर्फ बॉल्स करवाता रहता है बस, और ख़ुद खेलते उसको बारी नहीं देता बिल्कुल भी। ये भाग गई हैं बॉल की वजह से। जो है देखिए इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। जब ये नई आई थी तो बहुत डरती थी, लेकिन अब ये यूज्ड हो गई हैं ऊपर की। इतने प्यारे मौसम में अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर करें, और आप सब पे अपनी ख़ास और ख़ास रहम और नाज़िल फरमाए, अपनी रहमत के साए तले आपको रखे, और जो है हम सबकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंचे। मैंने मूसा का बैग वॉश किया, और इतना माशाल्लाह से साफ़ नीट, इस पर जो है वो मैंने स्टेन रिमूवर लगा के साफ किया, बहुत ही मैला हुआ हुआ था। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, आप देख सकते हैं काले बादल ऊपर आए हुए, और डक्स जो हैं वो बिल्कुल एक कोने में छुप कर बैठ गई, क्योंकि मूसा ने जो बॉल करवाई तो वो डक को लग गई, तो इसलिए वो डर के मारे एक कोने में बैठ। डक्स को जो है बारिश और पानी बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस वक्त बहुत इंजॉय कर रही हैं। अभी टाइम हो गया मल्टीविटामिन लेने का, तो मल्टीविटामिन लेने का जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो सुबह आप नाश्ते के ड्यूरिंग नाश्ता, मतलब नाश्ते के दरमियान में जो है वो बेस्ट टाइम है। आप नाश्ते से 2 मिनट पहले भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि आप खाते हुए दरमियान में लें तो आपको इसके ज़्यादा फ़ायदा होंगे ना। तो मुझे जो डॉक्टर ने लिख के दिए वो रीवाइटल है, तो मल्टीविटामिन, और उसके बाद जो है एज बीइंग अ लेडी आपको जो है
जो है आप में कैल्शियम जो है वो तेज़ी से कम होता है आफ्टर 30, तो जो है रोज़ और 30 क्या आप 20 के बाद इसको यूज़ करें अपनी डेली रूटीन में, अपने इनटेक रखें इसका। CAC आप जो है रोज़ एक CAC लें, इसका भी बेस्ट टाइम जो है वो सुबह नाश्ते के बाद है। और उसके बाद जो है आप एक जो है मंथ में आप 2 जो है विटामिन डी के जो है सनी डी यहाँ पे है, ये है जी आप देख सकते हैं, ये 2 lakhs IU है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट इसके जो है, ये आप 15 दिन के बाद एक जो है इसका लें आप इंजेक्शन। वैसे तो मैं सनी डी लेती हूँ, एक ही कैप्सूल होता है वो 380 कुछ का है, तो वो ले। और उसके बाद जो है एवियॉन का एक कैप्सूल डेली लिया करें स्किन के लिए अपनी, अगर आपकी स्किन अच्छा करना चाहते हैं, ग्लोइंग करना चाहते हैं तो। और जो है इसके अलावा आप विटामिन सी का इनटेक रखें, तो अभी ये सुबह के टाइम लेने के जो हैं ये डोजेज हैं, तो इसीलिए मैं इनको इनका इनटेक जो है वो फौरन नाश्ते के बाद जो है, नाश्ते से पहले जो है विटामिन मल्टी विटामिन की टैबलेट लेती हूँ, नाश्ते के फौरन बाद थोड़ी 10-15 मिनट के बाद जो है मैं ये दोनों जो है लेती हूँ, CAC भी और एवियॉन भी। तो अभी इसको खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं अपनी। दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो अभी आज मुइस की फरमाइश थी भिंडी चिकन की, तो मैं भिंडी चिकन बनाने लगी हूँ अभी दोपहर का खाना। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी फजीता सैंडविच, क्योंकि मूसा ने और मोइज ने काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मूसा का कल मैथ का एग्ज़ाम है पहला, और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सुबह से उठ के पढ़ रहा है और रात को भी काफ़ी पढ़ाई की है। तो अभी मैं उनका मूड अच्छा करने के लिए मज़ेदार से सैंडविच बनाती हूँ शाम के स्नैक्स में। तो यहाँ पे शाम की चाय के लिए जो है मैंने फजीता सैंडविच बना ली है, बच्चों को देते हैं सैंडविचेस। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।